कैसी रही होली? जबरदस्त, ये लगाऊंगा यूट्यूब पे। हैप्पी होली, हैप्पी होली। हाँ जी दोस्त, बहुत दिन हो गए वीडियो आए। हालांकि ऐसा नहीं है कि लोगों ने मुझे मैसेज कर करके परेशान कर दिया हो, पर मुझे लगा अंदर से कि काफ़ी दिन हो गए हैं, कुछ अपने चैनल पे भी काम कर लिया जाए। एक्चुअली वीडियो ना आने का रीज़न यही था, एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा तो नहीं कह सकते, पेड वर्क, फ्रीलांस वर्क बहुत ज़्यादा चल रहा था तो वीडियो नहीं आ पाई। अब आ रही है, मज़े करो। तो शुरू करते हैं होली का प्रोग्राम। तो इस बार हमने मल्टीपल होली मनाई। कैसे? एक योगा सेंटर में, एक रेस्टोरेंट में। पहली साफ सुंदर सात्विक होली देखो। योगा सेंटर में जो हम होली मना रहे थे उसमें था हम जैसे हम अपने घर पे मनाते हैं वो होली मनाना, तो उसमें हमारा जो पहला टास्क था वो था लकड़ियाँ ढूंढना। चलो तो लकड़ियाँ ढूंढ के लाते हैं। तो ये होली का हमने कर दिए तैयार। अब दहन देखो कैसे होता है। प्रहलाद भी बिठाया है प्रहलाद बिठाया हमने छोटा सा। अब निकालेंगे कैसे वो, इसकी किस्मत हमारी किस्मत, इसकी किस्मत। हाँ, चमक गई है। तो ये हमने प्रहलाद को बचा लिया है और ये हमने प्रहलाद को डुबा दिया है। ओ तिर रहा है प्रहलाद, तिर रहा है। हैप्पी होली, हैप्पी होली। ये क्या था? मैं तुम्हें ही दाना बुंदा करी ना। ये तो तस्वीर भाई बहुत लाग। हमारे इधर वो नई फसल होती है गेहूं की, उसको भूनते हैं होली की आग में और फिर वो घर में भी रखते, कुछ थोड़े बहुत खाते भी। हमारे पास गेहूं का, नई फसल का गेहूं नहीं है तो पुरानी फसल का चावल भून देंगे। अब देखो अरे रंग बरसे बिके चुनर वाली, रंग बरसे बार। हम किसी इंडियन इवेंट में, पार्टी में ऐसे तैयार होके निकले हैं। तैयार होना सबको अच्छा लगता है दोस्त, लेकिन नॉर्मली मैं तैयार होके इसलिए नहीं जाता हूँ कि मैं खुद ही वहाँ पे फोटोग्राफर होता हूँ, तो तैयार होने का फ़ायदा क्या, दोस्त जाके काम ही करना है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये हम दोनों जा रहे हैं बढ़िया रंग बिरंगे कपड़े पहन के होली सेलिब्रेशन के लिए। मैडम के कुछ ज़्यादा हैं शायद। रंग से मिल मैडम का फोटो सेशन चल रहा है, एक घंटे में नंबर आया है और अभी इसको देखना है, भरोसा ही नहीं है आनिफ पे। तो नॉर्मल होली पार्टी ऐसी ही होती है अलमाठी में। इंडियन कम्युनिटी के जो बिजनेसमैन हैं या जो भी फैमिलीज हैं वो सब मिलके ग्रुप बनाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, पहले एक रेस्टोरेंट बुक कर लेते हैं ऑलरेडी और वहीं पे खाना पीना, रंग गुलाल, पार्टी वार्टी जो कुछ भी है सब वहीं चलता है। औरतों को स्पेशल रेस्पेक्ट दी जा रही है जिसकी वो हकदार सिर्फ इस दिन नहीं हर दिन होती हैं, लेकिन ये दिन अगर मुकर्रर किया गया है तो इस दिन दिखा दी जाती है, बाकी इज्जत हर दिन मिलनी चाहिए। तो रंग गुलाल वाला प्रोग्राम गलती से, हमारे निकेश भैया की मेहरबानी से, पार्टी से पहले ही शुरू हो गया है। तो दोस्त हम यहाँ आए और आते ये हाल हो गया, तो व्लॉग पार्टी सब कुछ शुरू हो चुका है ना, आगे का आप देखिए कैसा रहता है, कोशिश करेंगे दिखाने की। बाकी कैमरा आज मैं लाया नहीं हूँ। हमारे यहाँ पे ऐसे ही होती है, ऐसे होली होती है, ऐसे दिवाली होती है, इंडियंस हर स्टेट से आ जाते हैं, यहाँ मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं, निकल जाते हैं। अभी वुमेंस डे सेलिब्रेशन के बाद हम जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर और वहाँ भैया शुरू होती है ये खाने पीने वाली पार्टी, नाचने कूदने वाली पार्टी। बढ़िया, सभी ने डांस वांस किया है, ठंडाई पी है और इस ठंडाई में वो स्पेशल पदार्थ नहीं मिला हुआ है जो आपने और मैंने एक्सपेक्ट किया था। बाकी जिसको वो पदार्थ ठंडाई में नहीं मिला था उसके लिए दूसरे इंतजाम थे और मुकम्मल इंतजाम थे। हमारी पार्टियां इतनी भी सूखी साखी नहीं होती हैं। इस पार्टी की एक और अच्छी बात ये रही कि हमारी
मेरी और कायू महाराज की कुछ एक फोटोज साथ में हैं। अगेन द रीजन फोटोग्राफर कोई और था, हम नहीं थे। मोस्टली यही होता है, इंडियन पार्टी जब भी होते हैं वो हम ही को बुला लेते हैं फोटोज वीडियोज के लिए और हम वहीं लगे रहते हैं। उसका एक नुकसान तो ये है कि हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं। दूसरा ये है, एंजॉय का चलो कॉम्पनसेशन ये हो जाता है कि हम वहाँ से अर्निंग करते हैं। दूसरा ये है कि हमारे ही फोटोज़ नहीं होते हैं यार। तो यार इस होली का प्रोग्राम मोटा माटी यही था, लेकिन अच्छी बात ये रही कि हमने मनाई, साथ मनाई। नहीं तो पिछले 4-5 साल से मेरी होलियाँ ऐसे ही जाती हैं, पता भी नहीं चलता आज होली है, क्योंकि मैं जिस यूनिवर्सिटी में रह रहा था उसमें मैं अकेला इंडियन था और बाहर जो इंडियन थे उनसे मेरा खास कॉन्टेक्ट था नहीं, तो मैं ऐसी पार्टीज में जा नहीं पाता था। इस बार गया, अच्छा लगा। उससे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि जो फैमिलीज हैं यहाँ पे, उन्होंने जब कविता को मेरे साथ देखा, अच्छे लोग हैं यहाँ पे, पहले भी मेरे को प्यार से रखते थे जब भी जिससे मिलता था, लेकिन इस बार थोड़ी अलग सा बिहेवियर होता है ना जब आपके साथ आपकी वाइफ हो। वो आपको जब वाइफ अगर आपके साथ होगी तो ही समझ आएगा, दोस्त ऐसे नहीं आएगा। तो अच्छा लगा अपने लोगों से मिल के, खेल के इनके साथ, अच्छा लगा इनके साथ जुड़ के। थोड़ा मुझे लगता है कुछ लोग हैं जिनसे पहले इतना अच्छा मेरा कनेक्शन नहीं था, लेकिन अब इस पार्टी के बाद ज़्यादा अच्छा कनेक्शन है। होली मना ली दोस्त, अब हम जा रहे हैं वापस अपने घरौंदे में, अपने घोंसले में, छोटा सा यही इसलिए घोंसला ही बोलते हैं। कैसी रही होली? जबरदस्त, ये लगाऊंगा यूट्यूब पे। तो ओवरऑल ये दिन काफ़ी अच्छा रहा स्टूडेंट्स का। इन केस यू वांट टू नो, स्टूडेंट्स ने अपना अलग एक स्टेडियम बुक किया हुआ था, उन्होंने वहाँ पे मस्ती की है, रंग गुलाल सब खेला है, गाने बजाए, नाचे कूदे, खाया पिया सब किया उन्होंने, लेकिन उनका प्रोग्राम थोड़ा अलग था, वहाँ मैं नहीं गया। अगर टाइम मिला नेक्स्ट टाइम तो आपको वो होली भी दिखाई जाएगी। स्टूडेंट्स करते हैं ये, हर साल करते हैं, और स्टूडेंट्स की होली भी अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। तो अलमाटी में जो इंडियंस रह रहे हैं, घर से तो दूर हैं दोस्त, ऑब्वियस सी बात है, यू कैन नॉट ब्रिंग इंडिया हेयर, बट वी ऑलवेज ट्राई टू मेक अ स्मॉल इंडिया इन द हार्ट ऑफ अलमाटी। और वो ट्राई स्टूडेंट्स भी करते हैं, फैमिलीज भी करती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अच्छी वाइब आ जाती है वहाँ पर, लगता है यू आर इन इंडिया। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, I'll see you again soon. Till then, take care.